नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होते हैं। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी। कहते हैं प्राचीन काल में शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में ही 4 मठों की स्थापना की थी तथा उन्होंने उस समय मठों में रहने वाले युवाओं को यह प्रेरणा दी थी कि वे युद्ध कला में भी माहिर बने, क्योंकि वे जान चुके थे कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ सैन्य शक्ति का होना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिस कारण से उन्होंने विभिन्न अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े वे स्थान कहलाए जहाँ पर युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। तो इसी तरह अखाड़ों में रहते हुए ये साधु सैन्य रक्षा करते थे। कहते हैं अहमद शाह अब्दाली के समय मथुरा वृंदावन के मंदिरों की रक्षा करने में 40,000 नागा साधुओं ने अपना योगदान दिया था तथा मंदिरों की रक्षा की थी। अब नागा साधुओं के जो ये आश्रम होते हैं ये हरिद्वार या दूर दूसरे तीर्थों से दूर दराज इलाकों में होते हैं। ये अपने जीवन में कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। शिव और अग्नि के ये प्रचंड भक्त माने जाते हैं। 3 प्रकार के योग करते हैं ताकि ये ठंड से निपट सके हैं। इनके पास त्रिशूल, तलवार, शंख, चिलम, ये इनके सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। प्रायः ये साधु कुंभ में दिखाई देते हैं, इस कारण से इनको लेकर कुंभ के मेले में बड़ी जिज्ञासा रहती है। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण शिवभक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश जिनका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर ये धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं और मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। कठोर जीवन जीने के कारण इनकी जो जीवन शैली होती है वो बहुत ही कठोर होती है। महिलाएं भी नागा साधु में होती है पर वह नग्न नहीं रहती, अपितु गेरवा वस्त्र लपेटे रहती है। इस तरह से नागा साधुओं की दिनचर्या बहुत ही कठोर होती है।